Hello everyone, welcome to our channel. In this video, we will discuss some previous year questions of English, Science and GK. So watch this video till end. You will definitely get some good questions that might come in the MNS exam. For PDFs and mock tests, join our Telegram channel. Simply search MNS's aim on Telegram or I will provide you a link in the description box. So question number one is antonym of laudatory. सो लॉडेटरी का मतलब क्या होता है? इट बेसिकली मीन्स टू प्रेज या प्रशंसा करना. ओके, सो ऑप्शंस आर डिफेमेटरी, चीयरलेस, इनएडमायरेबल एंड लोकेशियस. लोकेशियस में क्यू यू ए, यहाँ पे यू आएगा. लोकेशियस मीन्स टॉकेटिव, जो बहुत ज़्यादा बात करता हो. चीयरलेस मीन्स डल. इनएडमायरेबल मीन्स जिसको एडमायर नहीं किया जाता हो. एंड डिफेमेटरी, डिफेमेटरी इज करेक्ट ऑप्शन. डिफेमेटरी मीन्स निंदा या बुराई करना. ओके, क्वेश्चन नंबर टू, अ हैंड राइटिंग विच कैन नॉट बी इजिली रीड. ऑप्शन आर इंडेलिबल, इलेजिबल, अनरीडेबल एंड नन ऑफ दीज. सो इंडेलिबल मीन्स विच कैन नॉट बी इरेज्ड. ओके, विच कैन नॉट बी इरेज्ड, जिसे मिटाया नहीं जा सकता. इलेजिबल मीन्स विच कैन नॉट बी इजिली रीड. क्वेश्चन नंबर थ्री, द बुक ट्रेन टू पाकिस्तान इज रिटन बाय. ऑप्शंस आर शशि थरूर, खुशवंत सिंह, के वेणुगोपाल. सो इसका करेक्ट आंसर है खुशवंत सिंह, ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर फोर, रेल इंजन इन्वेंटेड बाय. ऑप्शंस आर थॉमस एडिसन, ग्राम बेल, अल्फ्रेड नोबल, जॉर्ज स्टीफनसन. सो थॉमस एडिसन ने, सबको पता है, बल्ब इन्वेंट किया था. ग्राम बेल ने ग्रामोफोन इन्वेंट किया था. अल्फ्रेड नोबल, जिनके नाम से नोबेल प्राइज है, वो है. और फर्स्ट नोबेल प्राइज कब दिया था? 1901 में. जॉर्ज स्टीफनसन इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर फाइव, यूनाइटेड नेशंस और यूएन डे इज ऑब्जर्वड ऑन. ऑप्शन आए 23 सितंबर, 15 जुलाई, 24 अक्टूबर एंड 3 नवंबर. इसका करेक्ट ऑप्शन है 24 अक्टूबर. यूनाइटेड नेशंस कब बनी थी? 24 अक्टूबर 1945. ये इम्पोर्टेंट है. और इनके जो भी यूएनएफसी या जो भी सब है, यूएनसीपी, इन सब के हेडक्वार्टर्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर सिक्स, प्लूरल ऑफ रूफ. तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बट लेकिन जो ये जो ऐसे ऑप्शंस है, इनमें कन्फ्यूजन आते हैं कई कई बार. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, सॉरी सॉरी ऑप्शन सी, एस प्लूरल पूछा है तो. ठीक है, अगर आपको क्वेश्चंस या फिर ये वीडियो अच्छी लग रही होगी तो सब्सक्राइब कर दे चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है. एंड आप मुझे सजेशंस देते रहना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि उससे मेरी बहुत हेल्प होती है. क्वेश्चन नंबर सेवन, टू पुट वंस हैंड टू प्लॉ. ये है ये ईडम एंड फ्रेजेस जो एग्जाम में आया हुआ है एंड इम्पॉर्टेंट है. टू टेक अ डिफिकल्ट टास्क, ऑप्शन बी. टू पुट समवन इन डिफिकल्टी एंड ऑप्शन सी इज टू बी ऑनेस्ट इन बिजनेस डील. तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? टू पुट वंस हैंड इन प्लॉ. प्लॉ जनरली हम खेती या फार्मिंग में यूज़ करते हैं. तो फिर किसी ने अपना फार्मिंग में हाथ डाला, तो वो उसके लिए एक डिफिकल्ट टास्क होगा. ठीक है, तो इसका आंसर होगा टू टेक अ डिफिकल्ट टास्क, ऑप्शन ए इज करेक्ट. और ये स्पेलिंग चेकिंग वाला है, इसमें हमें ऑटोनोमस की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है. तो ऑटोनोमस की करेक्ट स्पेलिंग होती है ऑटो नो एंड एम ओ यू एस, ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर नाइन, गोलकोंडा फोर्ट सिचुएटेड इन. गोलकोंडा फोर्ट कहाँ है? जयपुर, बेंगलुरु, हैदराबाद एंड रांची. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रांची, सॉरी हैदराबाद. और जयपुर में आपको हवा महल देखने के लिए मिल जाएगा. मैं अभी एक या दो दिन में 150 क्वेश्चंस के एक मॉक टेस्ट अपलोड करने वाली हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ की फॉर्म में, तो आप वहाँ से ले सकते हैं. सर्च एमएनएसएस एम. क्वेश्चन नंबर 10, द बुक आनंद मत इज रिटन बाय. ऑप्शन आर, ये काफ़ी फेमस बुक है. ऑप्शन आर कालिदास, बंकिम चंद्र चटर्जी, जय देवा एंड कल्हान. इसका करेक्ट आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी. क्वेश्चन नंबर 11, विच इज लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज. ऑप्शंस आर द हिमालयस, कंचनजुंगा, द एंडीज.
तो इसका करेक्ट आंसर है द एंडीज, कंचनजुंगा सिक्किम में। असैसिनेशन की करेक्ट स्पेलिंग, तो इसको मैं एक ट्रिक से लर्न कर सकते हैं, एस एस आई एन नेशन, ठीक है, तो असैसिनेशन हो जाएगा एस एस आई एन नेशन, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, ऑप्शंस आर इकोनॉमिक्स, पोमोलॉजी, डेमोग्राफी एंड नन ऑफ द अबव, तो इसका करेक्ट आंसर है डेमोग्राफी। पोमोलॉजी इज स्टडी ऑफ रूट्स। क्वेश्चन नंबर 14, हु वॉज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ऑप्शंस आर जनरल वी पी मलिक, जनरल के एम करियप्पा एंड जनरल बी एन शर्मा, इसका करेक्ट आंसर है जनरल के एन करियप्पा। क्वेश्चन नंबर 15, ग्रेजुअली फॉल इन द बैरोमीटर्स रीडिंग इंडिकेट्स, ऑप्शंस आर स्टॉर्म्स, क्लीन वेदर, साइक्लोन्स एंड रेनफॉल, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर है रेनफॉल। क्वेश्चन नंबर 16, टू सेट द पीपल बाय ईयर, ये ईडम एंड फ्रेजेस है, टू सेट द पीपल बाय ईयर, ऑप्शंस आर टू एक्साइट पीपल, टू क्वेरल, टू टेक अ डिफिकल्ट टास्क, इसका भी हमने ऊपर देखा था, क्या था इसका, टू पुट वन हैंड्स टू प्लॉ और टू बॉक्स द पीपल, तो इससे हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं टू सेट द पीपल बाय ईयर, मतलब वो बोलते हैं ना कान भर देना ऐसा कुछ, तो उससे क्या होगा, टू एक्साइट पीपल टू क्वेरल, झगड़ा लगा देते हैं जो। क्वेश्चन नंबर 17, ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ईडम, वैसे इसमें से मोस्टली आए हुए ही हैं सब है, ये भी आया हुआ है ये सब, तो गिफ्ट ऑफ द गैप, इसके ऑप्शन है टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, गिफ्ट ऑफ गॉड, टू रिकॉल समथिंग एंड नन ऑफ दीज, तो गिफ्ट ऑफ द गैप को हम रिलेट कर सकते हैं कि एक ऐसा गिफ्ट गॉड के द्वारा दिया गया हो जिसमें बोलने की कला बहुत अच्छी हो, ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर होगा टैलेंट ऑफ स्पीकिंग। ग्रीन आइड, ये भी एक ईडियम फ्रेजेस हैं, ऑप्शंस आर एनवियस और जेलस पर्सन, एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, अ रिच पर्सन या यूजलेस थिंग, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एनवियस और जेलस पर्सन। वन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ऑप्शंस आर अथीस्ट, थीस्ट, एग्नोस्टिक एंड नन ऑफ द अबव, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एग्नोस्टिक। जो अथीस्ट होता है, वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस, ये श्योर नहीं है कि गॉड है या नहीं, ठीक है, एंड थीस्ट मतलब जो श्योर है अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस, जो भगवान पे भरोसा करता हूँ, एंड एग्नोस्टिक मतलब जो डाउट में है। द पॉइजन ऑफ हनी बी इज, ये बायो के क्वेश्चन हैं, ऑप्शंस आर बेसिक, न्यूट्रल, एसिडिक या एम्फोटेरिक, तो इसका करेक्ट आंसर है एसिडिक। और जो वैस्प होता है उसका जो पॉइजन होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। क्वेश्चन नंबर 21, इन्फ्लुएंजा इज कॉज्ड बाय, ऑप्शंस आर बैक्टीरिया, वायरस, फंगी या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर की वजह से, तो इसका करेक्ट आंसर है वायरस, जैसे एड्स, इन्फ्लुएंजा, मम्स, ये सब वायरल डिजीज हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हार्मोन यूज्ड एज ड्रग टू ट्रीट कार्डियक अरेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ऐसा हार्मोन जो ड्रग की तरह यूज होता है कार्डियक अरेस्ट को ठीक किया ट्रीट करने में, तो ऑप्शंस आर मेलाटोनिन, नॉरएड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन या सेरोटोनिन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एपिनेफ्रिन, या इसको एड्रिनलिन भी बोलते हैं, एड्रिनलिन। क्वेश्चन नंबर 23, क्यूनाइन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बार्क ऑफ, ऑप्शंस आर सिंचोना, ओसिमम, सिनेमोनम या ऑल ऑफ द अबव, तो क्यूनाइन, आपने हाइड्रोक्लोरोक्विनाइन सुना होगा, जो मलेरिया की जो दवाई थी जब कोविड का फर्स्ट वेव चल रहा था उसमें ये बहुत हेल्पफुल थी, और बाकी सारी कंट्रीज़ ने इंडिया से ये दवाई डिमांड भी करी थी, तो ये मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है क्विनिन, और ये सिंट्रोना के बाग से निकालते हैं इसको, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24,
विच पार्ट ऑफ आई बिकम्स इन्फ्लेम्ड एंड पिंक व्हेन डस्ट गेट्स इनटू इट। तो जब हमारी आई में डस्ट जाता है तो फिर थोड़ी रेड सी हो जाती है, तो वो कौन सा पार्ट, उस पार्ट को क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर कॉर्निया, रेटिना, कंजक्टिवा या सिलेरी मसल्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, कंजक्टिवा। क्वेश्चन नंबर 25, एडमिसिबल की हमें यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग देखनी है। तो एडमिसिबल की करेक्ट स्पेलिंग कौन सी होगी? ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, सो दिस इज एंड ऑफ द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं मेरे ये टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ्स भी देती रहती हूँ बहुत सारे की। अभी थोड़े दिन पहले मैंने डैम्स की पीडीएफ डाली है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डैम्स फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो वहाँ से ले सकते हैं। एंड कल परसों मैं एक 150 MCQs की PDF डालने वाली हूँ मॉक टेस्ट की, तो आप वो भी वहाँ से ले सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, थैंक यू।